हाय एवरीवन, वरुण हियर एंड वेलकम बैक टू थ्रिलर बॉन्साई। आज हम लोग काम करेंगे ऑन दिस पेंसिल साइप्रस, या फिर इसको मेडिटेरेनियन साइप्रस भी बोलते हैं। सो इस ट्री को मैंने लाया था फ्रॉम मुन्नार केरला, एंड आज हम लोग इसको प्रॉपर बॉन्साई ट्रेन करेंगे। विल सी हाउ द रूट्स आर एंड विल गेट इट इनटू अ बॉन्साई पॉट एंड बॉन्साई सॉइल ओनली ऑन थ्रिलर बॉन्साई। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, दिस इज आवर मेडिटेरेनियन साइप्रस और पेंसिल साइप्रस। उसका फोलियज जो है वो ऑलमोस्ट तुजा की तरह है, बट जस्ट ग्रो स्ट्रेट, उसको ब्रांचेस ज़्यादा आते नहीं है लगता है। देखेंगे इसका बॉन्साई कैसे बनता है। सो लेट स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले इसका प्लास्टिक बैग मैं रिमूव कर रहा हूँ, आउटर बैग, एंड देन इसकी सॉइल को रिमूव करना होगा। तो ये हो गया अपना प्लास्टिक रिमूव पूरी तरह से। बहुत सारी सॉइल है जो कि लूज है, इजीली निकल रही है। आई विल हैव टू जस्ट थ्रो दिस सॉइल ऑफ। सॉइल को थ्रो करते हैं। इसीलिए निकल रही है सॉइल, तो कुछ मेहनत लेनी नहीं पड़ रही है। मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था मैं इसका भी बॉन्साई बनाऊंगा करके, बट आई फाउंड दिस ट्री इन द नर्सरी एंड उसने मुझे बोला कि दिस लुक्स रियली गुड एंड ग्रोज बिग। तभी मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। वैसे भी अपने पास ये वैरायटी के ट्रीज थोड़े कम होते हैं इन ट्रॉपिकल, सो लेट्स ट्राई दिस आउट। सो क्लियरली दिख रहा है ये सॉइल बाद में ऐड किया था उन्होंने। अंदर का सॉइल निकालते हैं, ये थोड़ा जम गया है। ये काफी हार्ड है, बहुत मेहनत लगने वाली है। रिमूव दिस सॉइल ऑफ, लेट्स सी हाउ हार्ड इट इज।
लगता है इसको वॉश करके रिमूव करना होगा. इट्स नॉट कमिंग आउट. इसको वॉश ही करना होगा बिकॉज इट्स नॉट कमिंग आउट सो इजीली. इधर से थोड़ा ट्राई करके देखता हूँ. रूट्स डैमेज होते हैं ऐसे करेंगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू डैमेज एनी रूट्स. सो आई थिंक इसको पानी में वॉश करना इज अ बेटर ऑप्शन. लेट द सॉइल कम आउट बाय इटसेल्फ. सो विल डू दैट. पानी में ही वॉश करके देखते हैं उसको. लेट्स ट्राई दैट वे आउट. थोड़ा वेट होने के बाद इट शुड कम आउट इजीली. पहले इस ट्री की हाइट थोड़ी कम करनी होगी अपने को. आई थिंक इट्स क्वाइट टॉल. इतना टॉल अपने को नहीं रखना है. सो आई विल फोकस ऑन रिड्यूसिंग द हाइट फर्स्ट ताकि हैंडलिंग भी इजी हो जाएगा इसका. आई एम थिंकिंग ऑफ जस्ट कटिंग इट हियर यहाँ पे. गाइस जस्ट अबाउट हियर उसको कट करूंगा या फिर थोड़ा नीचे भी जा सकता हूँ यहाँ पे. दिस इज फाइन आई थिंक. ज़्यादा ही कम हो जाएगा आई थिंक. थोड़ा ऊपर यहाँ पे इट्स फाइन. आई एम कटिंग इट. टॉप पोर्शन जो है रिमूव कर दिया है. नाउ जस्ट कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस ऑयल. अभी थोड़ा निकल रहा है. हम लोग ट्राई कर सकते हैं और रिमूव करने के लिए बिकॉज ये थोड़ा वेट हो गया है. शुड कम आउट इजीली नाउ.
much more. Oh, it is coming out well. Got a lot of soil there. थोड़ा इसको ब्रश से और साफ कर सकते हैं। तो ये हो गए रूट्स अपने क्लीन अभी काफ़ी हद तक। अभी हम लोग इसको थोड़ा ट्रिम करेंगे, देन इसको पॉट में लगाएंगे। लुक्स ओके नाउ। काफ़ी हद तक सॉइल जो है वो हम लोग ने रिमूव कर दी है अभी। आई थिंक ऑल द सॉइल इज नाउ रिमूव। सो इसके रूट्स आप देख सकते हो, दे आर नॉट हेल्दी एट ऑल बिकॉज द सॉइल वॉज नॉट वेल ड्रेनिंग। क्ले सॉइल में कभी भी अच्छा ग्रो नहीं करता है एंड उसमें इतना हार्डनेस। सो इट वॉज अ वेरी पुअर सॉइल इन जनरल, जिसकी वजह से ये रूट्स जो है दे आर लुकिंग मिजरेबल, बट ट्री इज स्टिल अलाइव बट इट्स नॉट दैट हेल्दी। सो अभी हम लोग इसको इसके रूट्स के ऊपर थोड़ा काम करेंगे एंड देन उसको पॉट में लगाएंगे। सो आई एम गोना यूज दिस पॉट, ब्लू वाली पॉट में इसको मैं लगाने वाला हूँ। बट बिफोर प्लांटिंग फर्स्ट यू नीड टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस रूट्स, जो हम लोग पहले करेंगे। फर्स्ट रिमूव द एक्सेस रूट्स। सो काफ़ी सारे रूट्स यहाँ पे लंबे दिख रहे हैं अपने को, वी डेफिनेटली डोंट वॉन्ट दोज रूट्स। सबसे पहले उनको थोड़ा स्प्रेड आउट करेंगे, मेक श्योर दैट वन ऑफ देम देयर आर नॉट टैंगल्स नहीं चाहिए अपने को, इट शुड बी ऑल स्प्रेड आउट नाइसली। एंड नाउ हम लोग इसके रूट्स को प्रून करेंगे, जो लंबे रूट्स हैं स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दोस इन वन शॉट। सारे रूट्स अपने रिमूव हो गए, सो वी आर लेफ्ट विद दीज रूट्स नाउ टू वर्क अपॉन, व्हिच आर लुकिंग ओके टू मी। जस्ट लुकिंग फॉर एनी डिफॉर्म्ड रूट्स इफ एनी। यहाँ पे रूट है, दैट वन इज बेंडेड and getting tangled up with other roots, all other roots. Just trying to make it straight. Okay, yeah, some root here. Okay, the remaining ones are looking okay for now. Just जो काफी लंबे हैं उसको मैं थोड़ा pull कर रहा हूँ. That's it. I think we should be good to plant it. Don't have any tap root as such. थोड़े blackish roots हैं, which are not healthy. But in future, I think we may get some healthy roots, healthy new growths on this tree. So we are all good and ready to plant this tree right away.
So let's do it now. मैं स्पॉट में इसको लगाने वाला हूँ. Decide a front for this tree. So this one would look good. It will look like a थोड़ा bend तो है इसमें. It's not a very straight growing tree. सामने से देखेंगे तो yeah, it's good. So इस tree को हम लोग ऐसे plant करने का सोच रहे हैं. Show you guys how it is looking. ऐसे है. This is how we are planning to plant it right now. So वो हम लोग करेंगे. So we'll place it like this and we are about to put more soil into it now. Just checking it last time whether it is looking good from all the sides. Should be like this, should be like this. Yes, okay. We put more soil into it now. It's looking good. अभी इसको थोड़ा सा टाइटन अप करते हैं हम लोग. Fast forward this for you guys. That's looking fine and okay. इसको हम लोग थोड़ा शेड में रख के रिकवर होने देंगे. वाटर इट नाइसली. दिस इज द फाइनल लुक ऑफ दिस ट्री. सो गाइस, व्हेन आई वाज इन केरला एट वन पर्टिकुलर स्पॉट आई फाउंड अ ब्यूटीफुल ट्री व्हिच वाज लुकिंग लाइक दिस. एंड वो बहुत खूबसूरत था एंड मुझे डाउट आया कि इट्स सम काइंड ऑफ चेरी ब्लॉसम. सो आई सर्च द गूगल लेंस एंड मैंने फाइंड आउट किया ये ट्री कौन सा है एंड इट वाज इंडीड द चेरी ब्लॉसम ट्री. Something which I always wanted to have. मैंने बहुत सारे फोटोज देखे थे उसके but I was never able to find that particular tree in India or near Mumbai where I stay. एक दो बार मैंने सीड से भी ग्रो करने की कोशिश की थी but that attempt was unsuccessful. So जैसे ही मैंने ये ट्री नोटिस किया रोड पे immediately मैंने ड्राइवर को बोला stop the car, stop the car. I went there, took the photo, checked the tree. It was cherry blossom and जैसे ही मुझे पता चला cherry blossom है मैंने उसका एक ब्रांच जो है वो काट दिया. दिया दोस्तों एक ब्रांच काटा मैंने हाथ से एंड वो अपने साथ रखा मेरे पानी की बोतल में उसको डाल दिया
and 2 days तक मैंने उसको अपने साथ रखा. Wherever I went, I had it with me. जब भी मैं वापस मुंबई आ रहा था, तभी फ्लाइट में अलाउड नहीं था ऑफ कोर्स प्लांट्स, सो मुझे उसको टाई करके चेक इन बैग में डालना पड़ा एंड somehow I managed to bring it back to my home. And आज मैंने उसको एक पॉट में लगाया है and as you can see, वो जो कटिंग है उसको थोड़ा रूटिंग हार्मोन लगा के मैंने इस पॉट में लगाया है. You can see the leaves are still green. And उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक बैग से कवर्ड अप रखा है ताकि मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहे, बिकॉज मेरे पास ग्रीन हाउस नहीं है. सो आई एम मेकिंग अ वर्चुअल ग्रीन हाउस फॉर दिस ट्री. सो लेट्स होप दैट दिस ट्री सर्वाइव्स. लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दैट. इसके अपडेट्स मैं आपको जरूर देते रहूंगा इन माय अपकमिंग वीडियोस. द ट्री, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड ट्रीज, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रीज, व्हिच आई गॉट इट फॉर फ्री. होप यू गाइस लाइक्ड इट. थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए. And make sure you subscribe to Blur One Side. Take care.